ये लड़का किसी पीछे के रास्ते से जा रहा होगा, हम तो आगे से जा नहीं सकते। वो रानी पूरी राजस्थान की पुलिस को लेकर बाहर खड़ी है। कुछ देर इंतजार करना होगा, फिर इसका पीछा करते करते निकल जाएंगे। राज, ये जिंदा है? बचा मुझे! ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारा वहम है। इंस्पेक्टर साहब, ये रास्ता किस तरफ जाता है? आपने यहाँ देखा? हो सकता है वो यहाँ छुपी हो। आइए हम देखते हैं। उस आग से कोई नहीं बच सकता, ये राजा नहीं हो सकता। तो शेरा फ्रॉम माधवपुर की तरफ से खम्मागढ़ी देवी माँ। बाय बाय। जो भी है, हमें पता तो करना ही पड़ेगा। यहां तो कोई वापस से चकमा देके चली गई। चलो रानी यार, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा। चलो एक मिनट तोशी। ये हॉट चॉकलेट फज तोशी, ये वही शॉल है जो उस लेडी ने ओढ़ी हुई थी। वो मेरे इतने करीब थी, तब भी मैं उसे पकड़ नहीं पाई। गॉड, मुझे पूरा यकीन है वो इसी दरवाजे से बाहर गई होगी, ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हम उसे पकड़ लेंगे, जल्दी चलो मेरे साथ, जल्दी चलिए। कैसी जगह है? वो लड़का राज नहीं हो सकता। अगर वो राज होता तो यहाँ इस गंदी सी बस्ती में क्यों आता? अंदर जाए या नहीं, सच जानना है तो आगे तो बढ़ना ही होगा। राज सिंह मर चुका है। मास के चाहिए? ये नहीं हो सकता। थारी ऊंट की पूंछ, आंटी तो गए हो। कौन छे? खमागड़ी अंकल जी। खमागड़ी, आपने इन्हें कहीं देखा है? ना बेटा, ना। जरा एक बार फिर से देखिए, हो सकता है आपने कहीं देखा हो, आपको याद आ जाए। ये वसुंधरा सूर्यवंशी है, होम मिनिस्टर थी, अब पुलिस इन्हें मर्डर के इल्जाम में ढूंढ रही है। ना साहिब, मन्ने माफ कर दो, मैं देखा कुणे। बाहर आ जाओ भेण, वो लोग चले गए। धन्यवाद।
वैसे वो लड़का कौन था? ओ, मारा छोरा है छोरा, शेरा। अभी वो बाहर गया है थारे वास्ते दवाई लाने, आता ही होगा। शेरा? उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चली गई। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, वो औरत बहुत खतरनाक है। उसे और वक्त मिल गया तो पता नहीं और कौन सी चाल चल देगी। वसुंधरा सूर्यवंशी को लगता है कि वो हमारा शिकार कर रही है, लेकिन अगर हम अपना जाल फैलाएं तो शिकारी को अपने जाल में फंसा सकते हैं। कैसा जाल? मेरे पास एक प्लान है। वसुंधरा चाहती है कि ये सारी प्रॉपर्टी, सारा कुछ कंट्रोल उसके ऊपर हो जाए। वो महारानी बनना चाहती है। अगर यही पावर और कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाए तो उसकी ईगो जरूर हर्ट होगी। उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि उसके होते हुए ये सब किसी और का हो जाए। रानी तू क्या कह रही है? माँ मैं ये कह रही हूँ कि हम कल पगड़ी की रस्म करने का अनाउंसमेंट कर देते हैं। जब उसको लगेगा सारा आमिर कोट मेरा होने वाला है तो छुप के तमाशा नहीं देखेगी, वो बाहर जरूर निकलेगी। करेक्ट, वो तुम्हें जीतते हुए तो नहीं देख सकती, वो बाहर जरूर निकलेगी तुमसे बदला लेने के लिए। और तब लो बहन गरम गरम चाय पी लो। अच्छा वो आपका बेटा शेरा नहीं दिखाई दे रहा है, आया नहीं अब तक वो? बस आता ही होगा। हटे हो काकी। अच्छा होता नहीं, होश आ गया। कोई हैराने की बात ना से, मारा डांसिंग फेज की बात ही कुछ ऐसी है, जो भी फर्स्ट टाइम देखे बेहोश हो जावे। हीरो वाला फेस है ना मारा, एकदम सुपर डुपर से भी ऊपर। ओए चुप कर, बंद कर अपनी जुबान। बस ये मारा बापू है जो मैंने शहर ना भेजे। ओए मैं बोले चुप कर तो चुप कर रहा मारियो। बहन जी की तबीयत देख, अब बकबक बंद कर। लो जी काकी आपकी ताकत की दवा। शुक्रिया। अच्छा बहन मैंने तो थारे सारे सवालों के जवाब दे दिए, अब मैंने ये बताओ कि थारे पीछे पुलिस क्यों पड़ी है? और वो छोरी कह रही थी कि तू कातिल है? मारे ऊंट की पूंछ, काकी कातिल काकी से? दीदी मुझे ऐसा लगता है रानी जो कह रही है सोच रही है हर तरह से सही है। मैं समझ रही हूँ चित्रा जी, रानी गद्दी संभालने के लिए इसलिए तैयार हुई है ताकि वो वसुंधरा को पकड़ सके। लेकिन दीदी अगर वो ऐसा करती है तो उसका मन दूसरे कामों में लग जाएगा, जो हमने खोया है उसे भुला पाना किसी के बस की बात तो नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। और मुझे पूरा यकीन है हमारी रानी आमिर कोट के लिए बहुत अच्छी रानी साबित होगी। रुकिए, ये क्या है? आमिर कोट की हिस्ट्री का गोल्डन पेज, आप इसको जाकर अंदर रख दीजिए। पर रानी ये है क्या? डोंट वरी माँ, कल सुबह सबको पता चल जाएगा इसमें क्या है। हम आपको क्या बताएं? वो रानी और उसके परिवार ने हमारे खिलाफ साजिश की। तो मिनिस्टर है, फिर कोई पुलिस वाला या कोई आम आदमी थारे खिलाफ कैसे साजिश कर सकता है? कोई भी मिनिस्टर क्या रानी से बड़ा हो सकता है भाई साहब? वो लड़की जो पुलिस के साथ आई थी वही हमारी जिंदगी बर्बाद करने वाली रानी है। उसका उसके पति के दोस्त तोशी के साथ चक्कर चल रहा था और हमें पता लग गया। हमने जाकर उसके पति को बता दिया। उसका पति राज बेचारा बहुत नाराज हो गया, और जब उसने उन दोनों को बुलाकर इसके बारे में सफाई मांगी तो उन दोनों ने मिलकर उसे ही साफ कर दिया। उन दोनों ने उस बेचारे को मार डाला। कहानी में ट्विस्ट। और फिर
अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए उन दोनों ने हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे किए और फिर सबको बताया कि हमने राज को मारा। हम क्या करते, हमारे पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक सबूत तक नहीं था, इसलिए हमें भागना पड़ा। बेवकूफ कहीं के दुनिया की सबसे पुरानी चाल में फंस गए। हमारे लिए तो अच्छा ही है, इन्हीं की बेवकूफी का फायदा उठाकर ही तो हम जीतेंगे। आगे बोलना काकी, फिर क्या हुआ? आगे की कहानी तो तुम ही लिख सकते हो ना शेरा। मैं? शेरा फ्रॉम माधवपुर? माता रानी ने खुद हमें तुमसे मिलाया ताकि तुम हमारी मदद कर सको, तुम ही हमें बचा सकते हो। खुल के बोलना काकी। तुम राज सिंह को जानते हो? हाँ जानता हूँ, अपनी ऊंटनी के खूंटे से बांध के रखा मैंने उसे। अरे काकी, इतने बड़े लोगन को मैं कैसे जानूंगा? हाँ, तो हम तुम्हें राज से मिलवाते हैं। इधर आ, इधर आ। ये है रानी का पति राज। अरे काकू, चलना नहीं है के? हम सब महल जा रहे हैं। महल? महल क्यों? मतलब ऐसा क्या हो गया महल में? अरे आज बहुत बड़ा दिन है, आज रानी सा आमिर कोट की गद्दी पे बैठने वाली है। रानी चौहान आमिर कोट की रानी बनेंगी। आज उनकी रसम पकड़ी है। ठीक है, तू चल भाया, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ठीक। बेचारे मासूम लोग, इन्हें लग रहा है कि अगर रानी गद्दी संभाल लेगी तो आमिर कोट का भला होगा, लेकिन इन्हें क्या पता कि वो कितनी गिरी हुई है। अरे उसके तो हाथ उसके खुद के पति के खून से रंगी हुई है। ऐसे में अगर वो आमिर कोट पे राज करेगी तो नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम लोगों को धोखे में नहीं रख सकते। शेरा, शेरा बेटा, देखो बेटा, हम जानते हैं हमारी तरह तुम भी नहीं चाहते कि सारे लोग धोखे में रहे, है ना? हम लोगों को ऐसे धोखे में नहीं रख सकते, उन्हें सच्चाई का पता लगना चाहिए। हमारी मदद करोगे ना? देखो तुम्हें एक्टिंग का शौक है ना, तुम्हें हीरो बनना है ना, तो इससे अच्छा और क्या मौका है? अगर तुम उस कातिल को आमिर कोट की गद्दी में बैठने से बचा दोगे, उस रानी को हरा दोगे, तो तुम सचमुच के हीरो बन जाओगे। जरा सोचो, हमारी मदद करो बेटा प्लीज। हमारी मदद करोगे ना? मेरी बच्ची, रानी साहब गद्दी पर विराजिए।
अमीर कोट की नई रानी सा। एक मिनट पंडित जी, रानी अपने राजा के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आपको किसी की जय करनी है तो राज की कीजिए। अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को जमीन ये जरूरी नहीं। राज अपनी रानी के पास वापस आ गया, हमें मौत भी अलग नहीं कर सकी। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले। राजू मेरा, राजू तू आ गया, मेरा बच्चा आ गया। मुझे तो लगा था तू अपनी माँ को अकेले छोड़ के चला गया। यकीन नहीं हो रहा, देख सब कितने खुश है, देख कितने खुश है सब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ये राज लौट आया है। राजू भैया, मैं राजू, राजू भैया आ गया। जीजू, तू वहां से बच के निकला कैसे? तू यहां पे खड़ा है तो फिर वो बॉडी किसकी थी? राज क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बताओ ना राज, उस दिन क्या हुआ था? इतनी हिम्मत कि तुम लौट कर इस हवेली पर आ गई। छोड़ो इन्हें। राज
मैंने कहा छोड़ो इन्हें। राज, तो नहीं लगी ना? हम ठीक है। खबरदार, जो किसी ने इन्हें हाथ भी लगाया तो।